खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैं हूं आदर्श झा। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया आपके खास शो ऐसा भी होता है का, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दें जो देश की राजधानी दिल्ली से ही है, जहां पर एक बार फिर से आग का तांडव सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली के पश्चिमपुरी में आज झुग्गियों में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 300 झुग्गियां वहां पर जलकर खाक हो गई हैं। पश्चिमपुरी इलाके की झुग्गी बस्ती में आग लगी, 300 झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं और करीब 400 लोग बेघर हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब सुबह सुबह दिल्ली से आग के तांडव की खबरें आई हैं। कल करोल बाग में आग लग गई थी, आज पश्चिमपुरी से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर झुग्गी बस्ती में आग लग गई और 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इस आग की वजह से 400 लोगों को बेघर होना पड़ा। दूसरे दिन भी जारी रहा दिल्ली में आग का कहर। पश्चिमपुरी की झुग्गी बस्ती में ये आग लगी है, इस आग में करीब 300 झुग्गियां जलकर खाक हो गई, 400 लोग बेघर हो गए। आग रात करीब 1 बजे लगी और देखते ही देखते आग करीब 300 झुग्गियों तक फैल गई। आग के दौरान 7 से 8 छोटे सिलेंडर भी फटे। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस आग में एक महिला घायल हुई है। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, इस आग में, इस घटना में एक महिला के घायल होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आग लगी हुई थी और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जब आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन क्या पूरा अपडेट है वो हम आपको आगे देंगे। तस्वीरें देखिए किस तरह से आग लगी थी, कितनी भयानक आग, झुग्गियों में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट भी हो रही है और बीच में जो जानकारी मिली 7 से 8 छोटे सिलेंडर भी फटे। वो गैस सिलेंडर जो लोग आमतौर पर घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे सिलेंडर, उनके फटने की भी खबरें हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।